नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SS ऑटो केयर। दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं हीरो होंडा फैशन प्लस। आप ये बाइक है, आप देख सकते हैं हीरो होंडा फैशन प्लस, बहुत पुराना बाइक है। इसका यहाँ ये जो मैग्नेट कवर है, इसके अंदर से इंजन ऑयल लीक हो रहा है, आप देख सकते होंगे, शायद आपको दिखाई देता होगा, ये इंजन ऑयल निकल रहा है। इसकी हम जांच करेंगे, ये कहां से इंजन ऑयल लीक करता है और इसको हम ठीक करेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए ये मैग्नेट कवर है, इसको ये छोटे छोटे 3 बोल्ट इसमें लगे रहते हैं, इसको खोलकर इसको बाहर निकालेंगे। इसके पहले जो ये गियर लीवर है, इसको हम 10 नंबर की से LT की से हम खोलकर निकालते हैं, उसके बाद ये कवर निकलेगा। चलिए दोस्तों, इसको खोलते हैं। आप देख सकते हैं ये जो गियर लीवर है, इसके सील से भी लीक नहीं हो रहा है। इसके अंदर जो कॉइल प्लेट है, ये मैग्नेट कॉइल प्लेट है, उसके नीचे से लीक हो रहा है। तो इसको हम कॉइल प्लेट को खोलना पड़ेगा, फिर उसको हम सुधार पाएंगे। उसके लिए उससे पहले ये मैग्नेट को हमें खोलना होगा। तो मैग्नेट खोलने के लिए आप देख सकते हैं ये जो 14 नंबर का नट है, ये 14 नंबर के टी से हम इस नट को खोलेंगे। चलिए दोस्तों, इसको खोल लेते हैं। दोस्तों, इसको खोलने के लिए एक पुलर भी आता है इसको पकड़ने के लिए, तो हम पुलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एक ये नट का इस्तेमाल करेंगे जो ये इस मैग्नेट को पकड़ के रखेगा, जिससे हम आसानी से खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो ओट है, ये जो थोड़ा सा निकला होता है, इस पे हम नट को इधर करके इसके साथ ऐसे लगाएंगे। इस पे रुक गया, अब इसको हम आसानी से खोल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये खुल गया, कोई पुलर की जरूरत नहीं है। ये नट हमारा निकल गया, अब इसको आराम से हम इस पर, अब एक और कूलर की ज़रूरत होती है जो ये लगता है कूलर हमारा, इसमें बाहर से चूड़ी लगी रहती है और इसके अंदर से चूड़ी रहती है, जिसमें हम इसको टाइट करेंगे। और फिर उसी तरह हम नट का अब दूसरे साइड से, इधर से हम खोलेंगे इसको, तो इधर हमारा नट लगेगा। आप देख सकते हैं इस ओट पे हम इस नट को रुका देंगे, अच्छी जगह रुकाएंगे ताकि ये फिसले ना, और इसको हल्का सा जोड़ लगाएंगे तो ये खुल जाएगा। अगर ये मैग्नेट पकड़ने वाला पुलर ना भी हो तो ये खुल जाएगा, लेकिन ये पुलर होना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं ये मैग्नेट हमारा खुल चुका है। अब हमें ये कॉइल कवर को खोलेंगे, जो यहाँ एक स्क्रूप, एक नीचे स्क्रूप है जो यहाँ से हमारा इस प्लेट से नीचे से लीक कर रहा है, तो इसको हम खोलकर बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए हमें स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है, तो चलिए दोस्तों, हम स्क्रू ड्राइवर से इसको खोलते हैं।
अब देख सकते हैं ये, और एक नीचे स्क्रू है, इसको स्क्रू ऐसे खोल देंगे। देख सकते हैं ये स्क्रू, एक नीचे भी स्क्रू है, इसको भी हम खोल देंगे। देख सकते हैं अब इसको हम यहाँ से थोड़ा सा लेकर ऐसे करेंगे, इसको हम ऐसे निकालेंगे, इसको हल्का हल्का धक्का देकर या प्लास से भी खींच सकते हैं। देख सकते हैं निकल गया। हमारा इसी ओरिंग से नीचे से लीक कर रहा था, तो इसको हम ये हमारा अच्छी तरह सफाई करके फिर हम इस पे एनाबोंड लगाएंगे। आप देख सकते हैं यह है पैकिंग के ऊपर ऐसे एनाबोंड लगाया जाता है, वो चीज़ है। स्क्रू है, इसके किनारे भी हम ऐसे लगा देंगे, इस पर ओरिंग आके लॉक करता है स्क्रू से, जो तेल बाहर नहीं निकलने देता है। और फिर उसी तरह हम इसको टाइट कर देंगे वापस। ये जो स्क्रू का शेप है उसको मिलाकर फिर इसके अंदर करें। स्क्रू पीस में टाइट करेंगे। चेक पहले हम मिला लेंगे कि ये स्क्रू में आ रहा है कि नहीं सही तरीके से, उसके बाद फिर इस कवर को हम बैठाएंगे। आ रहा है सही से, अब इसको हम अच्छी तरह बैठा देंगे हल्का हल्का शॉट मारकर, चोट मारकर। स्क्रू को अच्छी तरह टाइट कर देंगे। अच्छी तरह टाइट करेंगे ताकि फिर से लीकेज की संभावना ना रहे। देख सकते हैं ये टाइट हो चुका है। अब हम मैग्नेट को लगाएंगे। ये अच्छी तरह हमारा ये चिपक गया है। अब यहाँ से
इंजन ऑयल नहीं निकलेगा। आप देख सकते हैं इस शाफ्ट में, इंजन के शाफ्ट में एक ये चाबी है, इस चाबी को, और इसमें आप देख सकते हैं एक घाट होगा चाबी वाली खांचा होगा, इसको भी हम ये दोनों चाबी को एक साथ मिलाकर मैग्नेट के कवर के जो ये घाट है अंदर की और शाफ्ट में जो चाबी है एक साथ इसको मिलाएंगे। आप देख सकते हैं एक साथ मिल चुका है। अब इसमें एक वाशर आएगा, उसके बाद ये नट। अब इसको 14 नंबर की चाबी से इसको हम टाइट कर देंगे। वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे जो हमने उस पर खोलने के समय में अपनाया था बोल्ट से। आप देख सकते हैं ये आ गया, यहाँ पर रुक गया। अब इसको हम अच्छी तरह टाइट कर देंगे, थोड़ा भी हिलेगा नहीं, ना साफ टेढ़ा होगा। ये लीजिए टाइट हो गया, इसको निकाल देते हैं। अब इसके कवर को हम लगा देते हैं, अब इसके कवर को हम लगाएंगे ऐसे। अब इसके नट को हम टाइट करेंगे, ये छोटा नट नीचे होगा, इससे बड़ा नट ये ऊपर होगा, और ये इससे भी छोटा थोड़ा यहाँ होगा। ये 8 नंबर की टी रेंच से हम इसको टाइट करेंगे। दस नंबर की चाबी इसमें लगेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।